मार्केट्स पर ये भी आपका व्यू क्या है? हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा स्ट्रांग रहा, उसके बाद आईएमडी की जो फोरकास्ट है उसने भी मार्केट में एक जो एक मच प्रोवाइडेड स्टीम थी वो प्रोवाइड की। हम 7850 पर पहुंच चुके हैं, अब जो अब 7900-8000 के लेवल्स को हम शायद चेस करेंगे, और अब जो रोल इंफोसिस को निभाना था वो उसने बखूबी निभाया है। तो क्या मानकर चला जाए कि जो ट्रेंड है यहां से मार्केट का वो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन शायद जो वॉलिटिलिटी है वो बढ़ती हुई नजर आए? गुड मॉर्निंग। हम लोगों का ये मानना है कि मार्केट जो है वो अभी कुछ समय तक साइडवेज ट्रेड करेगा, क्योंकि जो बड़े ट्रिगर्स थे, आईएमडी का फोरकास्ट हो गया, आईआईपी के नंबर हो गए, इन्फ्लेशन के नंबर हो गए, रेट कट हो गया, ये सारे जो इवेंट्स हैं ये अब हम लोग देख चुके हैं, जिनकी वजह से मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा रनअप किया है। अब जो बारी है वो अर्निंग सीजन की है। अनफॉर्चुनेटली अर्निंग सीजन से जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी लो है, तो अगर किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट आता है, क्योंकि ऑलरेडी बीटन आउट एस्टिमेट्स में अगर किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट आता है तो नीजर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो प्रॉबेबली इसकी वजह से वॉलिटिलिटी भी हाई रहेगी और मार्केट्स जो है वो थोड़ा सा साइडवेज मूव करने की ज़्यादा उम्मीद है।